बंगाली हो और आप हैदराबाद में मिष्टी दोई सर्च कर रहे हो तो मैं आपको एक बहुत अच्छा न्यूज देने वाली हूँ। एकदम मिष्टी दोई ही है। Hey guys, good evening. अभी टाइम हो रहा है 6. सो आज जो है ना, मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बंगाली स्वीट आइटम शेयर करूंगी। उसको हम लोग बोलते हैं पुली पीठे, चुशी पुली। दो पीठे मतलब ये स्वीट होता है जो हम विंटर में जरूर बनाते हैं, और एक को बोलते हैं पाटी शाप्ते, एक को बोलते हैं चुशी पुली। तो पाटी शाप्ते मैंने ऑलरेडी बना लिया है हैप्पी पोंगल, हैप्पी मकर संक्रांति वाले व्लॉग में। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो उस व्लॉग पे जाके। आज बनाऊंगी मैं चुशी पुली, जो मम्मी की हेल्प लेके बनाऊंगी क्योंकि मैंने कभी पहले नहीं बनाया है, और इसको बहुत ही मैं इजी वे पे बनाऊंगी। अगर आपका जो ये पीठे है, अगर आप बनाते हैं और ये बहुत स्टिफ हो जाता है, तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। इससे ये पीठा एकदम भी मतलब सॉफ्ट बनेगा, हार्ड नहीं बनता है। और एक चीज आपके साथ मुझे शेयर करनी है, ये जो रूम है ना, मतलब रेंटेड रूम है, अच्छा खासा है, पर क्या है कि मतलब हम लोगों का भी मन नहीं हो रहा है कि हम इधर पे रहे, क्योंकि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे लाइटिंग का प्रॉब्लम तो है ही, वो तो छोड़ ही दो, लाइट कम आता है। उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज्यादा नॉइज आता है, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट वीडियो में तो आता ही है, उसको मैं अगर छोड़ भी दो ना, तो मतलब हम लोग रात को सोते हैं ना, रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे पता नहीं कौन सा कंस्ट्रक्शन उस टाइम पे स्टार्ट हो जाता है, इतना ज्यादा नॉइज आता है, हम लोग सो भी नहीं पा रहे हैं आजकल। नींद टूट रहा है जो ठीक नहीं है ना, ऊपर से जो है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा डस्ट है। बस मेरे हस्बैंड के ऑफिस जो है पास में है, तो इसीलिए इस एरिया में हम लोगों को रहना पड़ रहा है। पर अभी ऐसा लगता है कि कहीं अगर और शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग, उधर से एक स्कूटी वो ले लेगा या बाइक ले लेगा तो मतलब अच्छा होगा, पर एटलीस्ट हम लोग चैन से जी सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा रूम ढूंढने भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको छोड़ने वाले हैं, बस ढूंढने वाले हैं कि अगर अच्छा मिलता है तो आपके साथ शेयर करूंगी, दिखाऊंगी, और हो सके तो चेंज करूंगी, पर उसमें भी कन्फर्मेशन नहीं है कुछ भी। इसीलिए मैं थोड़ा सा लिपस्टिक लगा के तैयार होके रही हूँ, मेरे हस्बैंड आ जाए उसके बाद निकलूंगी उसके साथ। तो पहले चलिए थोड़ा सा पीठा बना लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ नारियल को मैंने ग्रेट कर लिया है। कभी कभी नारियल ग्रेट कर लेती हूँ, आज मुझे एकदम भी उतना मतलब हाथों में थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो ज्यादा ग्रेट नहीं किया है। मैंने क्या किया, छोटे छोटे पीसेस में नारियल को चॉप करके मिक्सी के अंदर डाल के ब्लेंड कर लिया है। पर अगर हो सके तो आप ऐसे जो नारियल को घिसते हैं ना, ग्रेट करते हैं ना, उसी प्रोसीडियर को फॉलो कीजिए, उससे जो है वो ज्यादा अच्छा बनता है। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जैगरी, ये डेट जैगरी है, मतलब जो डेट से बनता है जो जैगरी वही है, ये ज्यादा टेस्टी होता है, पता है आपको। तो इसको मैं जैगरी के साथ मिक्स करके एक मिक्सचर पहले बनाऊंगी, उसके बाद इसको थोड़ा सा फ्राई फ्राई करूंगी। ये मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ आपको जब मैंने पाटी शाप्ता वो वाला पीछा बनाया था, और जो एकदम प्रॉपर वाला डेट जैगरी होता है ना, वो इस तरह से होता है। आप इसको थोड़ा सा प्रेस करो, ये गलने लगता है। तो अभी उसको मैंने फ्रिज से निकाला, इसीलिए ऐसा हालत है। अगर इसको मैं बाहर रखती ना तो मतलब ये हाथ भी नहीं लगाना पड़ता, ऐसे ही वो गल जाते थे, मैंने गल जाता मतलब क्या बोल रही हूँ। ये जो जैगरी होता है बहुत ही अच्छा होता है, तो थोड़ा थोड़ा करके मिलाओ आप, और थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाए ऐसा आपको देना है। मतलब कितना, अगर आप सोच रहे हो कि आपको ये गुड़ जो है वो जैगरी डालना है, तो आपको अपने हिसाब से आपका मिठास कितना आपको चाहिए उसके हिसाब से डालना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसमें और थोड़ा सा गुड़ की जरूरत है, तो मैं एक और डाल दूंगी इस तरह से। Thank you.
साथ ये जो स्टफिंग है वो चिपक रहा है, लाइक जैसे मैं आपको दिखाती हूँ इकट्ठा हो रहा है, लाइक अगर आप जैसे लड्डू बनाते हो, जैसे ही कि आपको लगे कि ऐसे आप लेके लड्डू बना सकते हो, ये एक साथ बाइंड हो जाएगा, तभी आप समझ लेना आपका जो ये स्टफिंग है नारियल का वो तैयार हो गया है। और अगर आप नारियल का लड्डू बनाना चाहते हो तो ऐसे करके लड्डू बना सकते हो, यही नारियल लड्डू का रेसिपी है, बहुत ही सिंपल, जैगरी एंड नारियल से बनता है। आप चीनी भी डाल सकते हो इसमें, मतलब जैगरी डालना है ऐसा कुछ रूल्स नहीं है, पर मुझे तो जैगरी वाला जो ये स्टफिंग है वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये हो गया है और मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। सो ऐसे दो कटोरी के करीब मेरा जो है वो स्टफिंग बना है, एक होल नारियल से। अभी मैं इसका जो मतलब रोटी है, मतलब जिससे इसको मैं कवर करूंगी वो बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा पानी लिया है, करीब एक ग्लास के करीब, और इसको मैं उबलने के लिए छोड़ दिया है। तो अभी उबल रहा है तो मैं फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दूंगी और इसके अंदर मिक्स करती रहूंगी सूजी, इसको मिक्स करती रहूंगी और हिलाती रहूंगी इस तरह से। जैसे हम उपमा बनाते हैं ना, उस तरह से आपको करना है। एक साथ मत डालना, आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके डालना। जैसे आप सूजी को डालते जाओगे आप देखते जाओगे कि सूजी फूल रहा है, और सूजी पूरा फूल के ना एक गाढ़ा मिक्सचर बन जाएगा। सूजी के साथ साथ मैं थोड़ा सा चावल की आटा भी डालूंगी, इसको भी इस तरह से मिक्स करती रहूंगी थोड़ा थोड़ा करके। जब तक कि ना ये पानी जो है वो एकदम गाढ़ा हो जाए तब तक मैं ऐड करती गई, और फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। अभी अच्छे से हमको इसको मिक्स करना है, बहुत ही अच्छे से। मैदा भी ऐड कर सकते हैं। इसको हमें और थोड़ा सा एक मिनट तक ऐसे करना है। सुबह का बचा हुआ थोड़ा सा चिकन करी एंड थोड़ा सा गोभी की सब्जी है, तो रात के लिए बस मुझे सब्जी तो नहीं बनानी है। एक सेकेंड, लाइट के ऑपोजिट है वो। हाँ, तो सब्जी एंड मतलब जस्ट ओनली रोटी बनानी है, तो रोटी मम्मी बनाएंगी और मैं जाऊंगी, मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ जाए उसके बाद जाऊंगी उसके साथ रूम देखने के लिए। और ये पीठे का मतलब चल रहा है प्रोसेस अभी, ये हाफ बना के जाऊंगी और हाफ आके बनाऊंगी। सो आप देख सकते हैं ये जो मैंने अभी बनाया, ये अभी हल्का सा ठंडा हो गया है, तो ठंडा होने पे ही ना आप जैसे इसको ऐसे करोगे ना, तब देखो ये ठंडा होने पे ना एकदम जम जाता है, एकदम जम जाता है। ये एकदम मतलब अभी स्टीफ हो गया है। इसके ऊपर से थोड़ा सा मैदा डाल के, जैसे आप रोटी का डो बनाते हैं ना उस तरह से बना लीजिए। सो मैदा डालना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैदा से थोड़ा सा बाइंडिंग हो जाता है। लेकिन अगर आपका ये जो बैटर मतलब बना है वो ऑलरेडी बहुत हार्ड है, रोटी के जैसे आप बेल सकते हो, तो इसके अंदर अलग से मैदा डालने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे यहाँ पे हमें महसूस हो रहा था कि थोड़ा बहुत मैदा डालने से जो है इसका जो डो है वो अच्छा बनेगा, एकदम रोटी के जैसा, जैसे हम लोग फुलके के लिए पूरी के लिए बनाते हैं वैसा। तो इसीलिए थोड़ा सा मैदा डाल के इसको हाथों से डो बनाया जा रहा है। देख सकते हो जैसे हम लोग कोई बनाते हैं डो वैसा ही वो बन चुका है और ये एकदम डो जैसा हो रहा है। तो इसमें करीब मुझे लगे है एक बड़े कटोरी सूजी और हाफ कटोरी मैंने चावल की आटा मतलब राइस फ्लोर को ऐड किया था पानी में, उसके बाद हाफ कटोरी के करीब मैंने मैदा को उसके साथ बाइंड कर लिया है। तो इस तरह से जैसे हम लोग रोटी को बेलते हैं ना उस तरह से एक एक करके थोड़ा सा हाथों पे आप मैदा डस्टिंग कर लो, उसके बाद इस तरह से गोल गोल घुमा के इसको एक कटोरी जैसे बना लो, फिर थोड़ा सा ये जो स्टफिंग बनाया है वो इसके अंदर डाल दो और जैसे हम लोग मोमो बनाते हैं ना उस तरह से आप इसको सील कर दो। थोड़ा सा हाथों में मैदा ले लो अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा अटक रहा है, जैसे एकदम मोमो बनाया जाता है ना वैसे ही आपको इसको बनाना है। एक एक करके आप सारे बना लो जितना होगा आपके बैटर से। सो 16 पीस बना है इससे जितना मैंने आपको दिखाया, और इधर पे मैंने दो कटोरी लिया था स्टफिंग मेरा जो बना था नारियल का उसमें से एक कटोरी लग गया है और एक कटोरी रह गया है, मैंने जानबूझ के कटोरी में रखा था ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए। और इधर पे थोड़ा सा और बचा हुआ है एक बॉल, इस बॉल से हम लोग चूशी बनाएंगे। तो चूशी मतलब ये चूशी पुली है ना, तो पुली जो वो है उसको हम बोलते हैं पुली, ये जो वाला बना है, और ये जो बन रहा है इसको हम लोग चूशी बोलते हैं। इसको इस तरह से बनाया जाता है एकदम छोटा छोटा, हाथों में थोड़ा सा मैदा डस्टिंग करके ही आप इसको बनाइए, नहीं तो आप इसको नहीं बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा थोड़ा लीजिए और इसको ऐसे फेंक दीजिए। तैयार इसी वॉल की मैं बात कर रही थी, देखो इस वॉल भी जो है ना इस घर का मतलब और एक नेगेटिव पॉइंट है, ये वॉल जो है ना इससे पानी टपकता है, इसमें डैम्प आ गया है तो ये भी एक रीज़न है। पर हम लोग एडजस्ट करे जा रहे हैं पर एक हद तक एडजस्ट कर सकते हो ना आप। सो जो मैं बात बोल रही थी आपको कि मैं मेरे हस्बैंड की वेट कर रही थी कि वो आए, उसके बाद हम लोग निकलेंगे थोड़ा सा। तो मेरा ऑलमोस्ट पीठा जो है वो बनाना कंप्लीट हो चुका है पर मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं आया है, मैं वेट कर रही हूँ उनका। तो जब भी ऐसा होता है ना कि मतलब आप वेट करते हो अपने हस्बैंड की तभी उसका मीटिंग आ जाता है, मतलब होता है कि आपके साथ, मेरे साथ तो हर वक्त होता है, वो फ़ोन करके बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, फिर फ़ोन के बोलता है कि मेरा मीटिंग आ गया है, थोड़ा वेट करो थोड़ा बाद में आऊँगा।
कितने दिन हो गया है हम लोग घूमने नहीं जाते हैं। पीछे का इतना लेंदी प्रोसीड्योर होता है ना, तो मुझे एकदम इसीलिए बनाना पसंद नहीं आता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लाइक अभी भी थोड़ा मतलब और एक स्टेज बाकी है। चलिए मैं लेके चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पे मैंने लिया है 1 लीटर दूध। सो कभी कभी ना मैं 1 लीटर दूध को 1 केजी दूध भी बोल देती हूँ, क्योंकि इधर के दुकान वाले ना 1 लीटर बोलने से समझते नहीं है, उनको 1 केजी बोलना पड़ता है, तो वही मतलब हैबिट हो जाता है। तो दूध को ना अच्छे से मतलब 15-20 मिनट तक उबाल लो, ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। जैसे आप देख सकते हो दूध इधर इतना तक था, तो उबालते उबालते ना दूध कम हो रहा है। ऑलमोस्ट इसको आधा कर दो, क्योंकि मुझे मतलब इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है, उसके बाद ही हम लोग डाल सकते हैं सारे चीज़ों को। और इधर पे मेरा सारे चूशी रेडी है, बड़ा वाला सब कुछ मैंने बनाया, छोटा वाला मम्मी ने बनाया, मुझे लगता है बड़ा वाला दिखने में अच्छा लगेगा, तो मैंने बड़ा बड़ा करके बना दिया है। ये भी रेडी है, गाढ़ा बन चुका है, तो इसके अंदर पहले जाएगा चूशी। इसको देके उबालना है इसको फिर से कतक्ষণ মা এটাকে দিয়ে করবে এখন এখন ইন চুশি পুলিটাও দিয়ে দেবে। तो ये डालने के बाद ही हम लोग ये भी डाल देंगे, जिसको हम लोग पुली बोलते हैं। मतलब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी, कौन सा चूशी है कौन सा पुली है। तो ये बड़ा वाला पुली है और छोटा वाला चूशी है। सो ये एक बंगाली डिश है, बहुत फेमस है। आई थिंक असम एंड मतलब ओडिशा में भी लोग ऐसे बनाते होंगे, क्योंकि हमारी कल्चर उन लोगों के कल्चर से ना बहुत मैच करते हैं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे बोलते हैं कि अरे दीदी हम लोग भी तो ऐसे करते हैं। और बांग्लादेश में तो होंगे, क्योंकि वो लोग भी तो बंगाली है। तो एक एक करके सारे डाल देना है, और आहिस्ता आहिस्ता करके डालना है, क्योंकि ये थोड़ा सा छींटता है। सो ये दूध में डालने के बाद इसको हमें कतक্ষণ तक फुटाता है, 5-10 मिनट तो बिल्कुल टेढ़ा नहीं हो जाएगा। जब तक कि ना दूध में उबाल आए, तब तक हमको इसको मतलब कुक करते रहना है 4-5 मिनट तक, क्योंकि दूध में ही जो है ये पूरा पकेगा, तो इसीलिए ये हमें करना है। सो ये रेसिपी मम्मी का है, सो इसीलिए मैंने मतलब मुझे नहीं पता है उतना कैसे ये बनाते हैं। और माँ तुम्हें पूरा सारा गाय मैदा में खचो, तो मम्मी का ही रेसिपी है। आप लोगों ने मुझे बोला है जो मम्मी का है वो बताइए, कौन सा मम्मी का है कौन सा आपका है। तो ये मम्मी का है, मतलब इन सारे चीज़ों में मैं उतना माहिर तो हूँ नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, मैं उतना मेरा एक्सपीरियंस कम है इन सारे मामलों में। घर पे मम्मी चाची ये लोग बनाते थे शादी से पहले, तो मैं देखती थी पर कभी ट्राई नहीं करती थी। सो इस तरह से ये बन रहा है, और दूध में पकते पकते ये ना नरम हो जाएगा और हार्ड नहीं बनेगा। मैंने ना बहुत दिन बाद ये वाला कुर्ती पहना है, और मैंने भी सोचा कि मेरे पास बहुत कपड़े हो गए हैं, और घर पे ना मैं अच्छा अच्छा सारे जो कुर्ती वगैरह है तो पहन लूँगी, क्योंकि गर्मी आ रही है, और मतलब गर्मी में ऐसे कुर्ती वगैरह जो बड़ा स्लीव का है आप नहीं पहन सकते हो। तो घर पे मैं कुछ कलरफुल इस तरह की कपड़े पहनूंगी। तो अगर आप कलरफुल अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो ना, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाता है जो आपको खुश कर देता है। ऐसा होता है ना, कितना नॉइज आता है ना, मुझे एकदम पसंद नहीं, इसीलिए देखो कितना चीखते हैं। एक हद तक मतलब अच्छा लगता है, बच्चों की आवाज़ ठीक है, पर इधर पे बच्चे जो है ना वो 15-16 साल के बच्चे भी चीखते हैं इस तरह से। ये लोग एकदम पढ़ाई नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों पढ़ाई नहीं करते। मतलब क्या होता है कि हमारी जो एरिया है ना वो मतलब बैचलर पीजी ये वगैरह ज़्यादा है, इसमें फैमिली कम रहता है, तो हर एक हॉस्टल के नीचे एक केयरटेकर रहता है, और वो लोग अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते हैं, पता नहीं क्यों नहीं भेजते हैं। तो स्पेशली लड़की लोगों को तो भेजते ही नहीं है, तो ये लोग ऐसे चीख चीख करके बड़े हो चुके हैं। बच्चे लोग चीखते हैं फिर भी ठीक है चलो, पर ये लोग बड़े हो गए हैं फिर भी पढ़ाई नहीं करते हैं, ऐसे हर एक टाइम। अभी 7:45 बज रहे हैं, अभी भी ये लोग खेल कूद कर रहे हैं। छोड़ो, मुझे एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ आपके साथ शेयर करनी है। अगर आप बंगाली हो और आप हैदराबाद में मिष्टी दोई सर्च कर रहे हो, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा न्यूज़ देने वाली हूँ। हाल ही में मैंने स्पर में देते हैं ना जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, कैसा लग रहा है टेस्ट चेक कराते हैं ना, तो वैसे ही हमने चेक किया था। तो ये वाला जो दही है ना वो एकदम प्रॉपर मिष्टी दोई है,
लिखा भी है मिष्टी दोई और ये कंपनी का है, आप देख लो अच्छे से, ठीक है। तो इसी कलर में आता है और इसका प्राइस रहता है 30 रुपीज। कभी कभी बाई टू गेट वन भी मिलता है पर हमें नहीं मिला, हमको भी तीन ही चाहिए था पर हमें तो ऐसे नहीं मिला। और ये एकदम प्रॉपर मिष्टी दोई जैसा होता है ना बंगाल का, थोड़ा सा रेडिश वाला, एकदम वैसा ही है। आप इसको जरूर ट्राई करना गाइस, और ट्राई करके आई एम श्योर आप लोग मुझे थैंक यू बोलोगे कि हाँ मोनोशिता तुमने बहुत अच्छा सा चीज शेयर किया है, एकदम मिष्टी दोई ही है। मुझे तो अभी मन हो रहा है खा लो पर अभी नहीं खा सकती हूँ क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं डिनर के बाद मीठा खाते हैं तो वही खाएंगे। और मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं, मुझे कितना मन था घूमने जाने का। तो आप देखो ये फूल गया है और इसको थोड़ा सा आप हाथों से ऐसे कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा नरम हो गया है तो इसके अंदर अभी आपको मिठास डालना है। आप चीनी भी डाल सकते हो, गुड़ भी डाल सकते हो, हम तो गुड़ ही डालेंगे क्योंकि ये जो गुड़ है मम्मी खास लेके आई है कोलकाता से। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि इसको ना ऐसे उबाल के रख देते हैं, फिर दूसरे दिन फिर से उबालते हैं, फिर उसके बाद जैगरी डालते हैं ताकि दूध दिन ब दिन गाढ़ा बनता जाए। 2 दिन लगाते हैं बनाने में पर उतना टाइम नहीं है यार, आज ही बना देना है पूरा। तो गुड़ अपने हिसाब से डालिए, कितना मीठा डालना है आपको उसके हिसाब से। आड़ो देवे हैं बेशी मिष्टी हो ना, तो गुड़ डालने के तुरंत बाद गुड़ जो है वो गलने लगता है। तो गुड़ एक बार मेल्ट हो जाए उसके बाद ही आप मिठास चेक करके फिर से अगेन डालो, नहीं तो आप मत डालो। तो यहाँ पे 1 केजी दूध में करीब हाफ कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा गुड़ डाला है। गुड़ आप थोड़ा पहले डालो फिर अगर आपको जरूरत महसूस हो तो ही आप डालो, मत नहीं तो मत डालो। अब देखो गुड़ डालने के तुरंत बाद जो है वो कलर चेंज हो रहा है। और एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट सी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो मतलब चूशियन पुली है ये जब सॉफ्ट हो जाए उसके बाद ही आप गुड़ को डालो या चीनी को डालो, अगर आप पहले डाल दोगे तो ये बहुत हार्ड बन जाएगा और आप इसको खा नहीं सकते हो। और मेरे मम्मी आके आके ऐड करे जा रही है तो मुझे लगता है इसमें 1 कटोरी गुड़ डालना पड़ेगा, हाफ कटोरी से कुछ नहीं होगा। मुझे एकदम मतलब आइडिया नहीं है इसीलिए मैं थोड़ा सा उटपटांग बोल रही हूँ। और नीचे से ना आपको उसको हिलाते रहना है, नहीं तो ये क्या होगा नीचे से चिपक जाएगा। और इस तरह से आप एक बार इस पीठे को ट्राई कर सकते हो, इससे ये एकदम भी हार्ड नहीं बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। मैंने एक बार खाया था, शिफाली दी ने बनाया था तो उधर से ही मैंने इस रेसिपी को सीखा है, मतलब मम्मी तो पहले चावल के आटे से पूरा बनाती थी और हार्ड हो जाता था पर शेफाली दी ने चावल के आटा दी सूजी से बनाया था और बहुत ही सॉफ्ट हुआ था, तो उसके बाद से हम लोग भी सूजी का ही बनाने का मतलब बनाते हैं। गुड़ देखो गल गया है और दूध का कलर जो है वो भी हो गया है। अभी गुड़ डाला है तो थोड़ा सा चीनी निकल रहा है तो थोड़ा बहुत इसको और उबालना है 3-4 मिनट ताकि दूध गाढ़ा बन जाए। और एक चीज मैं बताना भूल गई, अगर आप गुड़ से बना रहे हो कोई भी गुड़ से तो ऐसे ही बनाओ, लेकिन अगर आपको चीनी से बनाना है तो प्लीज चीनी अगर डाल रहे हो तो उसके अंदर 1-2 आप ग्रीन इलायची डाल दो, उससे अच्छा फ्लेवर आता है। पर ग्रीन इलायची कभी भी मत डालना अगर गुड़ का बना रहे हो क्योंकि दोनों का अलग अलग होता है स्मेल, दोनों एक साथ डालने से ना एक दूसरे के जो फ्लेवर है उसको डाउन कर देता है, तो ऐसा मुझे लगता है मेरे टेस्ट के हिसाब से। आप अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हो, पर अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हो तो चीनी के साथ 2 छोटी इलायची डालना और गुड़ को जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे ही बनाना। तो एक एक कितना फूल गया है आप देखो, एक पूरा मतलब स्पून बड़ा वाला स्पून के जैसा बन गया है, इतना बड़ा नहीं बनाया था हमने। तो ये जब दूध को सोक करता रहेगा और फूलता रहेगा और सॉफ्ट बनता जाएगा, और ज्यादा अगर आप पका दोगे ना तो ये गल भी सकता है क्योंकि ये सूजी का है। और इसको आप रख के 5-6 दिन तक खा सकते हो। सो यही सुबह का बनाया हुआ थोड़ा सा बचा हुआ चिकन है और थोड़ा सा बचा हुआ आलू गोभी की सब्जी है, तो इनसे हम तीनों का हो जाएगा, बस रोटी बनानी है।
और मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं आए। तो आप देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया है फूल के, मतलब क्या बताओ। सो दूध का जो कंसिस्टेंसी है वो आप देखो इस तरह से रखना, क्योंकि ये देखो साइड में ना पूरा एकदम मतलब जम रहा है, और मतलब इस तरह से जब हो जाए तो आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ये आप जैसे ऐसे रख दोगे ना तो और जो दूध है वो घना बनता जाएगा और ये भी दूध को सोक करता जाएगा। सो मैं ऑफ कर देती हूँ और ये ना हम फ्रिज में रख के कल खाएंगे, आज नहीं खाएंगे। शाम की 6 बजे से लिपस्टिक पहन के बैठी थी घूमने जाने के लिए, जाती जानते जाए दुनिया wants to know कि क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। ऑफिस में बहुत काम का प्रेशर था, मीटिंग हमेशा ऐसा रहता है, मीटिंग मिशिल थी। जब भी हम लोगों को घूमने जाना होता है तब भी इसका मीटिंग शुरू हो जाता है। तुम्हारे मैनेजर को तो ना मैं मेरे को नहीं मेरा मैनेजर को अरे ये देखे ना तो अगर तुम देखते तो ये तो तेलुगु मैं पूछ रही हूँ कि उनके मैनेजर देखते हैं क्या मेरा ब्लॉग। मैं ऐसा कर रही हूँ मन होता है कि नहीं बताओ आप लोग, जब भी घूमने जाने के लिए मन होता है ना तब भी मैनेजर का मीटिंग उसी टाइम पे। आज तो मतलब क्या बोलते हैं मीटिंग कैंसिल हो रहा था ना, मीटिंग पोस्टपोन हो रहा था। हाँ पोस्टपोन हो रहा था, मतलब 6 बजे का आना था फिर आए हैं 8 बजे, नहीं 9:30 बजे, छोटा सा पोस्टपोन हुआ है। कैसा लगा वीडियो गाइस, मीठा लगा ना? इस मिठास की तरह आप भी अपने लाइफ में मिठास भर दो, अपने हस्बैंड को फैमिली वालों को ये बना के खिलाओ, देखो उन लोगों को बहुत पसंद आएगा। हम लोग माहिर होते हैं पता है ये वाले स्वीट्स बनाने के लिए, लेकिन मतलब मैं माहिर नहीं हूँ, मतलब हमारे जो पूर्वजूत होते हैं ना, मतलब कैसे समझाऊँ आपको, मेरी दादी उनके दादी ये लोग इतने अच्छे से इसको बना सकते थे, पर मैं हम लोग उतना अच्छे नहीं, मैं तो बना ही नहीं पाती हूँ। मतलब मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, पिछले साल भी मैंने किया था, इस साल भी मैंने, मम्मी आके दिखा रही है कि और फूल गया है और फूल गया है, इस साल भी मम्मी ने किया है, पिछले साल भी इस टाइम पे मम्मी थी तो मम्मी ने किया था। सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, अगर पसंद आया है लाइक ज़रूर करना, आपके एक लाइक आपके लिए एक ही लाइक है पर मेरे लिए बहुत कुछ है गाइस, ये याद रखना। आपके लाइक आपके कमेंट्स आपके शेयर मुझे बहुत इंस्पायर करता है अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के लिए। So keep on watching, good night, bye bye, take care.